तो हे गाइस, तो कैसे हो सभी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो देखो, हमारे गेम के अंदर ना अभी न्यू कैरेक्टर सेंटिनो नाम का यहाँ पर एक पेज आया, ठीक है। तो काफ़ी बंदों का अलग अलग डाउट है, काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि भाई ये कैरेक्टर कैसे मिलेगा, क्या ये फ्री में मिलने वाला है, इसकी एबिलिटी क्या है, गेम के अंदर कब आएगा, कहाँ दिख रहा है, भाई कुछ नहीं समझ आ रहा। तो सब कुछ तुम्हारा भाई इस वीडियो के अंदर क्लियर करेगा, टेंशन काहे की लेते हो। तो वीडियो को चलते स्टार्ट करते, उससे पहले लाइक वाइक कर देना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जैसे ये वाला कैरेक्टर शो हुआ ना, तो काफ़ी बंदे चले गए होंगे कैरेक्टर सेक्शन पर यहाँ पर चेक करने के लिए कि भाई कहाँ पर है भाई कैरेक्टर सेंटिनो कैरेक्टर कहाँ है। लेकिन सेंटिनो कैरेक्टर अभी है नहीं, ठीक है। एंटिनो कैरेक्टर आपको मिलेगा, लेकिन सेंटिनो नहीं मिलेगा। तो सेंटिनो कब आने वाला है? सेंटिनो ने आने वाला है ओपी अपडेट के बाद, ठीक है। मतलब अभी जो हमारा मतलब कुछ दिनों के बाद आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कब आएगा। देखो, गोल्ड रॉयल जो है वो 8 दिन के बाद चेंज होने वाला है, तो पकड़ लो 7 दिन के बाद हमारा ओपी अपडेट है, ठीक है। तो ओपी अपडेट के बाद हमारा नया कैरेक्टर आने वाला। अब यार, इस कैरेक्टर में इतना खास क्या है? तो भाई, इस खास है इसकी एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूँ कि इसकी एबिलिटी, यहाँ पर तुम लोग खुद पढ़ो, डिप्लॉय और डिकॉय अहेड ऑफ यू फॉर 5 सेकंड टेलीपोर्ट टू इट्स लोकेशन। अभी ये जो कैरेक्टर रहेगा ना, सेंटिनो कैरेक्टर, ये टेलीपोर्ट कैरेक्टर रहेगा। मतलब क्या करेगा कि एक जगह से ना दूसरी जगह एकदम पलक झपकते ही यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। मतलब मिस्टर इंडिया तुम लोग समझ सकते हो, मतलब थोड़ी देर के लिए मिस्टर इंडिया हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मतलब दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे प्रोसेस रहेगा। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट्स भी डाला था, ठीक है, आप लोगों ने अगर देखा हुआ तो, नहीं देखा तो मैं आपको बता दूँ। देखो, यहाँ पर क्या करना रहेगा कि आपको ना यहाँ पर एक एक्टिव बटन रहेगा, एक्टिव स्किल रहेगा कैरेक्टर, तो उस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे एक्टिव स्किल वाले बटन पे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एक वो बनेगा, ठीक है, आपका एक डमी बनेगा। जो डमी होगा वो 5 सेकंड तक ना आगे भागेगा, ठीक है, सीधा आगे भागेगा। उसके बाद क्या होगा कि वहां पर जाके, जहां पर वो डमी जाएगा ना, वहां पर आप लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे 5 सेकंड के बाद। तो इस तरीके से टेलीपोर्ट करेगा और एनिमी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। वो डमी जो होगा ना, उसको एनिमी नहीं देख पाएगा, बस आपको पता रहेगा कि भाई हाँ यहां पर तक जाने वाला। अब यार, ये इतना खतरनाक कैरेक्टर है भाई, एनिमी तो भाई छुपा रहेगा, उसको लगेगा कि भाई सामने एनिमी, लेकिन आप उसके पीछे आके मार दोगे। तो भाई, इसका जो मतलब ये कैरेक्टर, ये हम लोग को कैसे मिलने वाला? तो देखो, यहाँ पर ना फ्री के काफी चांस तो है, क्योंकि देखो फ्री फायर बैन वैन है, एंड हो सकता है कि हाइप क्रिएट करने के लिए फ्री में भी मिल जाए। लेकिन देखो, ज्यादातर चांस यही होता है कि भाई यहाँ पर टॉप अप में देते हैं, ठीक है। एंड इतना जब ये प्रमोशन वगैरह करा रहे हैं, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो फ्री में ही मिलेगा या फिर बहुत महंगे में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी है, सस्ते में आपको नहीं मिलेगा, 100 डायमंड में नहीं मिलेगा, या तो 500 डायमंड मिलेगा या तो फ्री में मिलेगा। क्योंकि देखो, जब भी जय कैरेक्टर आया था और जो भी फ्री वाला कैरेक्टर जब भी है, हम लोग को फ्री गई ना फ्री फायर वाले दिए ना, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हाइप क्रिएट किया, तो हो सकता है फ्री में मिल जाए। तो फिलहाल देखते हो, ओबी अपडेट के बाद यहाँ पर कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, एंड 15 दिन के बाद वहाँ पर स्टोर वगैरह पे अवेलेबल हो जाएगा, या फिर कुछ इवेंट वगैरह में दे देंगे, ठीक है। तो होप करता आप लोग को समझ में आ गया सब कुछ। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।